नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव खबर और मैं हूं आपके साथ शैल शुक्ला। तो चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की बड़ी हेडलाइंस पर। यूएनजीए सीजन में नहीं शामिल होंगे बेंजामिन नेतन्याहू, बहुमत न मिलने पर लिया फैसला। सऊदी अरब के रक्षा मंत्रालय ने ड्रोन और क्रूज मिसाइलों का मलबा दिखाते हुए उसके दो तेल प्रतिष्ठानों पर हुए हमले में ईरान के हाथ होने के दिए सबूत। इमरान खान ने पाकिस्तानियों को जिहाद के लिए कश्मीर नहीं जाने की दी चेतावनी, कहा अगर पाकिस्तान से कोई जिहाद के लिए भारत जाएगा तो वो कश्मीरियों का होगा दुश्मन। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज बेंगलुरु में तेजस फाइटर प्लेन में भरी उड़ान, तेजस के दो सीट वाले एयरक्राफ्ट में उड़ान भरने वाले पहले रक्षा मंत्री बने राजनाथ। ट्रैफिक नियमों में बड़े हुए जुर्माने के खिलाफ दिल्ली NCR में ट्रांसपोर्ट हड़ताल, लोगों को करना पड़ रहा भारी मुश्किलों का सामना। छत्तीसगढ़ के शिक्षा मंत्री प्रेम साय सिंह टेकाम का ट्रेन में हुआ बैग चोरी, PM मोदी पर बैग चोरी करवाने का लगाया आरोप। भारी बारिश के पूर्वानुमान के बीच थमी मुंबई की रफ्तार, आज बंद रहेंगे स्कूल और कॉलेज। पेट्रोल डीजल के दाम में लगी आग, पेट्रोल की कीमत 29 पैसे और डीजल में 19 पैसे की हुई बढ़ोतरी। T20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बने विराट कोहली, रोहित शर्मा का तोड़ा रिकॉर्ड। और आईफा अवार्ड में फिल्म राजी ने मारी बाजी, आलिया भट्ट और रणवीर सिंह को बेस्ट एक्ट्रेस और एक्टर का मिला अवार्ड। और इसी के साथ हेडलाइंस में मेरे साथ बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए लाइव खबर। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।